नागिन टीम के आज के आने वाले एपिसोड में बिचारी श्रावणी के माता पिता की मौत के बाद क्या श्रावणी पूरी तरीके से टूट जाएगी और आज के खास एपिसोड में हार मानी हुई श्रावणी को कैसे जगाएगी शिवांगी और शिवांगी की वापसी कैसे होगी और आज के आने वाले एपिसोड में किसकी भयानक मौत होगी ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। नागिन टीम के आज के आने वाले एपिसोड में बिचारी श्रावणी को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब श्रावणी अपने घर पहुंचेगी तब वो देखेगी कि उसके माता पिता की मौत हो गई है और इसी वजह से बिचारी श्रावणी के आंख में से काफी सारे आंसू आएंगे और तभी वहां पर श्रावणी के सामने सुमित्रा आलेख और रोहिणी आ जाएंगे और श्रावणी को पता चल जाएगा कि उसकी माँ बाप के मौत का कारण और कोई नहीं बल्कि यह सुमित्रा ही है और खुफिया सूत्रों के अनुसार सुमित्रा को जैसे ही श्रावणी मौत के घाट उतारने जाएगी तभी वहां पर तामसी आ जाएगी और सुमित्रा को बचाकर ले जाएगी और श्रावणी अपने माँ बाप को खोने की वजह से भोलेनाथ के मंदिर में अपने आप को यानी खुद को ही गैर जिम्मेदार ठहराएगी और पूरी तरीके से हार मान चुकी हुई श्रावणी के सामने तभी फॉर्म पर बड़ा चमत्कार होगा और यह चमत्कार में श्रावणी से भी ऊपर की नागरानी यानी महानागरानी शिवांगी की वापसी होगी और अपनी महानागरानी शिवांगी को देखकर श्रावणी पूरी तरीके से चौंक जाएगी और श्रावणी शिवांगी को कहेगी कि जो अपने पति से बदला लेने नहीं आई और अपने पिता से बदला लेने नहीं आई और मेरे लिए आखिरकार क्यों आई है। और शिवांगी श्रावणी को समझाते हुए कहेगी कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हें बचाने और हम नागरानियाँ हैं और हम सिर्फ अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हैं और इसीलिए हमारा मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि बदलाव भी होना चाहिए। और लेकिन श्रावणी शिवांगी की यह बात से संतुष्ट नहीं होगी और क्योंकि शिवांगी की यह बात नागरानियाँ और शेष वंश के सारे नाग नागिन समझते हैं और लेकिन वो दुश्मनों का क्या जो नागमणि के लिए सबको मौत के घाट उतार दे और इसी वजह से दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए बदला लेना जरूरी है। और लेकिन तभी वहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में सपेरे आ जाएंगे और श्रावणी एंड शिवांगी का नागिन डांस देखने को मिलेगा और श्रावणी एंड शिवांगी दोनों साथ में मिलकर श्रावणी का अंत भी करेंगे और रॉकी एंड ऋतिक की वापसी कैसे होगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और आप यह आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो यह हमें कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take care.